नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। हाल ही में मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाली 19 मार्च तक उत्तर भारत में मौसम साफ रहने वाला है, जबकि 20 मार्च से एक बार फिर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें कि रबी फसलों को उत्तर भारत के राज्यों में पहले ही भारी नुकसान पहुँच चुका है, जिसके चलते ये खबर उत्तर भारत के किसानों के लिए एक बार फिर बर्बादी लेकर आई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे में जहां उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा, तो वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ सहित छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में आज तेज बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। कुछ खबरों की माने तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रबी फसलों की कटाई चल रही है, ऐसे में इन दिनों बारिश के होने से फसलों की कटाई प्रभावित होगी, साथ ही फसलों को नुकसान होगा। इसके अलावा निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार हरियाणा और इससे सटे इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं एक दूसरा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश पर बना हुआ है। साथ ही एक ट्रफ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से केरल के तटों तक बनी हुई है, जबकि 20 मार्च के बाद उत्तर भारत में भी मौसम के बिगड़ने के पूरे आसार बने हुए हैं, जो कि किसानों के लिए फिर से बर्बादी की बारिश लेकर आने वाला है। जहां उत्तर प्रदेश में हर साल कीट और खरपतवार के प्रकोप से करीब 15-20% फसलों को नुकसान पहुंचता है, जिनमें सिर्फ कीट और खरपतवार ही नहीं बल्कि कई कारकों का योगदान रहता है। इनमें 33% खरपतवार, 26% फसलों में लगने वाले रोग, 20% कीट, 7% भंडारण के कीट और 6% चूहों के साथ 8% अन्य कारक शामिल हैं। मगर अब इस नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के लिए कीट रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों के हर वर्ग और श्रेणी के किसानों को सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ विकास खंड स्तरीय कृषि रक्षा इकाई के द्वारा किसानों को पहुँचाया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों को बायो पेस्टिसाइड बायो एजेंट्स पर 75% सब्सिडी दी जाएगी, तो वहीं बीज शोधन के लिए बीज शोधक रसायनों पर किसानों को 75% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा कृषि रक्षा यंत्रों पर 50% सब्सिडी दी जा रही है, और अगर किसानों को यंत्र मानव चालित है तो किसानों को सब्सिडी 1500 रुपये प्रति यंत्र मिलेगी। आने वाले महीने यानी कि 1 अप्रैल से गेहूँ की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू होनी है, जबकि केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के स्टॉक तय मानकों बफर से भी 178% ज्यादा है। यही वजह है कि इस समय गोदाम पहले से पूरी तरह भरे हुए हैं, जिसके चलते नई खरीद के गेहूं का अधिकांश भंडारण खुले आसमान के नीचे किए जाने की संभावना है। साथ ही भारतीय खाद्य निगम FCI की माने तो 1 मार्च तक केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक 584.97 लाख टन है, जबकि तय मानकों के लिहाज से 1 अप्रैल तक केंद्रीय पूल में 160.40 लाख टन का खाद्यान्न स्टॉक होना चाहिए। इसी के साथ रिजर्व स्टॉक टन में 50 लाख टन की जगह होनी चाहिए। वहीं अगर 1 अप्रैल से खरीद की बात करें तो केंद्रीय पूल में गेहूं का बफर स्टॉक 44.60 लाख टन और रिजर्व में 20 लाख टन मौजूद होना चाहिए, लेकिन 1 मार्च तक इन पूलों में 275.21 लाख टन गेहूं का स्टॉक मौजूद था। इसके अलावा अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में अप्रैल में 22 से 25 लाख टन गेहूं की खपत जोड़ दें तो भी गेहूं का बकाया स्टॉक तय मानकों बफर के लिहाज से 4 गुना ज़्यादा है। वहीं खाद्य मंत्रालय की माने तो जहां पिछले साल 2019-20 में 341.32 लाख टन गेहूँ की खरीद हुई थी, वहीं इस बार गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन 10.62 करोड़ टन का अनुमान है। ऐसे में भंडारण को लेकर समस्या पैदा होने वाली है। आपको बता दें कि देश में खाद्यान्न भंडारण की कुल क्षमता करीब 8 करोड़ टन से ज्यादा है, जिसमें 7 करोड़ पक्के गोदाम जबकि 1 करोड़ टन से ज्यादा खाद्यान्न का भंडारण अस्थायी गोदाम यानी कि तिरपाल से किया जाता है, जिसके चलते किसानों के साथ गेहूँ भंडारण में सभी को समस्या होने वाली है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वक्त ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक समय से पहुंचा सके। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।